साकिब बहुत ही मेहनती लड़का था। वो अपने स्कूल का काम दिल लगा कर करता और शाम को अपने गरीब बाप का हाथ बटाने के लिए दुकान पर बैठ जाता। उसने एक खूबसूरत मैना पाल रखी थी। ये मैना उससे बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करती। साकिब अपनी भोली मैना से कहता, मैं तुम्हें एक ना एक दिन दुनिया की सैर कराऊंगा। साकिब के दिल की ख्वाहिश थी कि घर और दुकान के अलावा दुनिया की और चीजें भी उसे देखने को मिले। आखिर एक दिन इसी इरादे से वो अपनी मैना को साथ लेकर निकल खड़ा हुआ। उसने थोड़ा सा पनीर भी ले लिया ताकि सफर के दौरान काम आ जाए। वो अपनी मैना के पिंजरे को उठाए दूर बहुत दूर तक निकल गया। शाम हुई तो साकिब को रात गुजारने का ख्याल आया। उसने पहाड़ पर एक झोंपड़ी देखी। वो बड़ी मुश्किल से पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। उसकी मुलाकात एक भूत से हो गई। ये झोंपड़ी उसी भूत की थी। साकिब को नए नए दोस्त बनाने का बहुत शौक था। उसने दोस्ताना लहजे में इस लंबे तड़ंगे भूत से कहा, आदाब अर्ज करता हूँ, मैं जरा सैर को निकला हूँ, आइए आप भी मेरे साथ चलिए। भूत गर्जदार आवाज में बोला, चल बे ओ कमजोर और दुबले पतले इंसान, मैं क्यों तुम्हारे साथ जाऊँ। साकिब ने कहा, मैं देखने में दुबला पतला जरूर हूँ, मगर इतना भी कमजोर नहीं जितना तुम समझ रहे हो। इस पर भूत हंसा। उसने एक भारी पत्थर उठाया और अपने बड़े बड़े हाथों में पकड़कर इस जोर से भींचा कि उसमें से पानी निकलने लगा। फिर उसने साकिब से सवाल किया, क्यों बे चींटे, तू भी ऐसा कर सकता है? साकिब हंस पड़ा और बोला, वाह भला, ये भी कोई मुश्किल काम है। खोदा पहाड़ निकला चूहा। इसके बाद साकिब ने अपने थैले में से पनीर निकाला और उसे आहिस्ता से दबाया तो उसमें से काफी से ज्यादा छाछ बहने लगी। उसने भूत से पूछा, तुम्हारे इतने बड़े पत्थर से तो मनो पानी निकल सकता था, पर निकला सिर्फ 3-4 बूंदे। मेरे इस छोटे से टुकड़े को देखो कितना पानी निकला है। भूत ये सुनकर ताव में आ गया। उसने एक वैसा ही पत्थर उठाया और इतना ऊंचा फेंका कि नजरों से ओझल होने के बहुत देर बाद वापस जमीन पर पहुंचा। साकिब फिर हंसा और कहने लगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का कर्तव्य है, देखना मेरा कमाल भी, ऐसी चीज हवा में छोड़ूंगा कि बस आसमान पर ही पहुंच जाएगी और जमीन पर वापस नहीं आएगी। ये कहकर उसने पिंजरे से मैना निकाली और उसे हवा में छोड़ दिया। मैना अपनी आजादी पर इतनी खुश हुई कि ऊपर ही ऊपर उड़ती चली गई और नजरों से गायब हो गई। भूत ये देखकर बहुत शर्मिंदा हुआ और बोला, चलो आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। फिर उसने साकिब को रात झोंपड़ी ही में रखा। तरह तरह के खानों से उसकी खातिर तवाजो की और जाते दफा तोहफे भी दिए। साकिब अपनी कामयाबी पर फूले ना समा रहा था। वो फक से सीना फुलाता हुआ बादशाह के पास पहुंचा और बोला, जहां पना कब से मैं इस कोशिश में था कि आपके न्याज हासिल हूँ, कोई मेरे लायक खिदमत हो तो हुक्म कीजिए। बादशाह ने हैरानगी से साकिब को सर से लेकर पांव तक देखा और कहा, तुम अभी अधमुए हो, हमारे किस काम आ सकते हो? साकिब ने जवाब दिया, आप कोई हुक्म तो दीजिए। बादशाह ने कहा कि इस मुल्क में दो जिन्नों ने लोगों को तंग कर रखा है, अगर तुम उन जिन्नों के सर काट के ले आओ तो आधी सल्तनत तुम्हारी और मैं अपनी बेटी की शादी भी तुमसे कर दूंगा। साकिब ने थोड़ी देर के लिए कुछ सोचा और फिर बोला, मैं ये काम जरूर करूंगा। बादशाह ने कहा, तुम्हें जितनी फौज चाहिए ले जा सकते हो? साकिब ने कहा, नहीं नहीं, मुझे फौज की जरूरत नहीं, फौज की जरूरत सिर्फ जिन्नों के सर उठाने के लिए पड़ेगी। ये वाह दा करके साकिब अपने दोस्त भूत के पास आया। भूत ने कहा कि जिन्नों के सर लाना कोई मुश्किल काम नहीं, बस कोई तरकीब सोचना होगी। इसके बाद साकिब और भूत दोनों उस किले में पहुंचे जहां जिन रहते थे। भूत ने साकिब को अपने कंधे पर उठा लिया और हवा में उड़ता हुआ किले के बाग में चला आया। दोनों जिन बरगद के दरख्त के नीचे सोए हुए थे। साकिब ने भूत के कहने पर कंकरियां जेब में डाल ली। भूत ने बड़ी बड़ी ईंटें उठा ली और दोनों एक दरख्त पर चढ़ गए। साकिब ने हौले हौले एक एक करके जिन्नों को कंकरियां मारना शुरू की। जिन्नों ने मक्खियां समझकर कोई परवाह ना की। उसके बाद भूत ने अपना काम दिखाया। उसने बड़ी बड़ी ईंटें उठाकर जिन्नों पर बरसाना शुरू कर दी। एक जिन समझा कि दूसरा जिन बार बार हाथ मारकर उसे सता रहा है। उधर दूसरे जिन को भी यही गलत फहमी होती। दोनों जिन अब हड़बड़ा कर उठ बैठे और गुर्रा गुर्रा कर आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। दरख्तों से हथियार का काम लिया। इसी मार धाड़ में बुरी तरह जख्मी हुए और मर गए।
भूत और साकिब खुशी से नाचते हुए दरख्त से नीचे उतरे और तलवार से दोनों जिन्नों के सर तन से जुदा कर दिए। साकिब भागा भागा बादशाह के महल में पहुंचा और फौज की इमदाद तलब की। फौज ने जिन्नों के सरों को एक बहुत बड़ी तोप पर रखा और उसे घसीटकर शाही महल तक लाया गया। बादशाह ये मंजर देखकर दंग रह गया। उसने साकिब को आधी सल्तनत देने की पेशकश की, लेकिन बेटी के साथ शादी करने के वादे से मुकर गया। वो चाहता था कि किसी खूबसूरत शहजादे से अपनी बेटी की शादी करे। साकिब का दिल टूट गया। उसने आधी सल्तनत को ठुकरा दिया और अपने दोस्त भूत के साथ झोंपड़ी में रहने लगा। उसे शहजादी की याद हर वक्त सताती रहती थी। उधर बादशाह की बेटी को जब ये मालूम हुआ तो वो बीमार रहने लगी। बादशाह ने बहतेरे इलाज कराए मगर उसे आराम ना आया। आखिरकार उसने अपनी बेटी को एक मैना खरीद दी। ये मैना हर वक्त उसका दिल बहलाने की कोशिश करती। नुजूमियों ने बादशाह को बताया कि शहजादी की शादी साकिब से कर दी जाए तो वो ठीक हो सकती है, वना नहीं। बादशाह की समझ में ये बात आ गई। उसने साकिब का पता करवाया लेकिन कामयाबी ना हुई। एक दिन मैना ने शहजादी से कहा कि मैं साकिब को तलाश करती हूँ। वो उड़ती हुई भूत की झोंपड़ी पर आ बैठी साकिब ने देखा, ये वही मैना थी जो उसने हवा में छोड़ी थी। मैना ने साकिब को शहजादी का पैगाम दिया और कहा कि बादशाह ने भी तुम्हें याद किया है। साकिब ये सुनकर सीधा बादशाह के महल में आया। उसके बाद शहजादी से उसकी शादी हो गई। बादशाह ने उसे सब्र और बहादुरी के इनाम में आधी तो क्या सारी सल्तनत दे दी। और भी मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब करें सैदी कॉमिक्स को और बैल की आइकॉन को दबाओ ताकि तमाम कहानी तक सबसे पहले आप पहुँच सको।